हेलो नमस्कार जय हिंद। हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के संबंध में। इसके संबंध में सैलरी क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, पोस्ट क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, इत्यादि संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। कब तक आ सकता है ऑफिशियल रूप से, इसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, सबको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले एग्जाम मोड की अगर हम बात करें तो सीबीटी होगा। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम्स होगा। इसके संबंध में अगर हम सिलेबस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज मार्क्स, सभी क्वेश्चंस एक मार्क्स के होंगे और टोटल जो है कि 90 मिनट का टाइम होगा, यानी कि डेढ़ घंटे का टाइम आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें जनरल साइंस यानी कि जीएस से संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से संबंधित 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से संबंधित 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यानी कि जीके जीएस से संबंधित 20 क्वेश्चन, यानी कि साइंस को मिलाकर जीके जीएस से 25 और 20 टोटल 45 क्वेश्चन जीएस से आएंगे। जीके जीएस से टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से, तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन के लिए 90 मार्क्स, डेढ़ घंटे का टाइम दिया जाएगा इसके लिए आपको, जो 1/3 नेगेटिव के आधार पर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स होगा और 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन कट जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, मैंने अभी जैसा बताया, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आप एग्जाम देंगे तो कम से कम मेरिट तो बाद में बनेगी, उससे पहले एग्जाम देंगे तो मेरिट तभी बनेगी जब आप कम से कम अगर UR हैं, जनरल हैं तो 40% लेकर आते हैं, या EWS हैं तो भी 40% कम से कम जब लेकर आते हैं, या OBC नॉन क्रीमी लेयर हैं तो 30% कम से कम लेकर आते हैं, या SC भी 30%, या ST हैं तो भी 30% कम से कम अगर एग्जाम में कम से कम प्राप्त करते हैं मार्क्स तो मेरिट में आपका नाम जाएगा, वहाँ शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर इससे कम पाते हैं तो वहीं पे फेल कर दिए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे, मेरिट में आप नहीं जा पाते हैं। PWBD के लिए 2% कम किया जा सकता है इनमें से, इसका मतलब कि PWBD अर्थात हैंडीकैप्ड भी भर सकते हैं, सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि एक फ्रिक्वेंटली लास्ट क्वेश्चन भी होता है कि क्या हैंडीकैप्ड भर सकते हैं, तो बिल्कुल हैंडीकैप्ड भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज होगा PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा सेकेंड स्टेज में PET। मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए 35 kg, लड़कों के लिए 35 kg वेट लेकर 100 मीटर तक जाना होगा, 35 kg वेट लेकर 100 मीटर तक जाना होगा, जिसके लिए 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और एक बार भी नीचे जमीन पर रखना नहीं होगा, 1 किलोमीटर दौड़ना होगा 4:15 में, क्वालिफाई करना होगा, ये सब क्वालिफाई होगा। सेकेंड स्टेज CBT है मेल के लिए। फीमेल के लिए जो 35 kg वेट था मेल के लिए, फीमेल के लिए वेट जो है 20 kg हो जाएगा, यानी कि 20 kg वेट लेकर 100 मीटर दूर जाना होगा 2 मिनट में और एक बार भी रखना नहीं होगा नीचे, तथा इनके लिए भी 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, लेकिन इनको टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, 5:40 का टाइम उनको दिया जाएगा। चांस एक ही होगा, एक ही चांस में क्वालिफाई करना होगा और केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके लिए मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 10th होगा, अगर मैट्रिक पास हैं तो आप इसके अंतर्गत आ जाएंगे और अपीयरिंग में नहीं भर सकते हैं। अगर मैट्रिक का पास हैं अर्थात 10th पास हैं तो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, लेकिन आप अपीयरिंग में नहीं भर सकते हैं, अर्थात अभी दिए हैं रिजल्ट नहीं है तो नहीं भर सकते। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष होती है और मैक्सिमम 33 वर्ष। एज लिमिट 18 वर्ष से 33 वर्ष होगी, जिसके लिए अनरिजर्व के लिए 33 वर्ष, OBC नॉन क्रीमी के लिए 36 वर्ष और SC ST के लिए 38 वर्ष, क्योंकि SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा तो 38 वर्ष हो जाएगा, OBC के लिए 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा तो 36 वर्ष होगा, ये मैक्सिमम एज है, मिनिमम सबके लिए 18 वर्ष ही होगा। सभी के लिए 3 वर्ष का छूट भी मिल जाएगा कोरोना काल के संबंध में, कोरोना काल के संदर्भ के वजह से, कोरोना काल की वजह से 3 वर्ष का सबको छूट मिल जाएगा, यानी कि सब 33 जो है 36 हो जाएगा, 33 जो 39 हो जाएगा, 38 जो है 42 हो जाएगा, इस प्रकार से 3 वर्ष सबको छूट मिल जाएगा। फी जो है जनरल एवं OBC के लिए 500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा और SC ST एक सर्विस मैन, PWBD फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनोरिटीज या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इनके लिए 250 रुपये का पेमेंट करना होगा, 250 रुपये का। सम फीस विल बी रिफंडेड, कुछ फीस रिफंड भी कर दिया जाएंगे, जैसे कि जिन लोगों ने 500 रुपये जमा किया है, UR और OBC, जनरल और OBC, जिन लोगों ने 500 रुपये का पेमेंट किया है उनको 400 रुपया
पेमेंट वापस कर दिए जाएंगे, 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे जब CBT 1 का एग्जाम दे लेंगे तब। अगर CBT 1 का एग्जाम नहीं देते हैं तो कुछ भी वापस नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार से जिन लोगों ने 250 रुपया दिया है उनको पूरा का पूरा 250 वापस कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा 250 वापस कर दिया जाएगा CBT 1 का एग्जाम दे लेंगे तब। जब एग्जाम दे लेंगे तभी वापस किया जाएगा, एग्जाम में अगर एब्सेंट होते हैं तो वापस नहीं किया जाएगा। इसके लिए पोस्ट जो है ट्रैक मेंटेनर, गेट मैन, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर, असिस्टेंट हॉस्पिटल, ये सब पोस्ट हैं। इनका काम क्या होता है देखिए मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ये है ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक को मेंटेनेंस करना ट्रैक का, और जो जहाँ कुछ भी खराबी हुई है तो उसके संबंध में रिपेयर इत्यादि करना। गेटमैन इस पर झंडी उंडी इत्यादि दिखाते हैं, गेट पर होते हैं या रास्ता रोकते हैं, जब ट्रेन आती है तो बैरियर भी गिराते हैं गेटमैन। पॉइंट्समैन, ये देखें ट्रैक को चेंज करने के लिए पॉइंट्स लगे होते हैं यहाँ पर, ट्रैक को चेंज करने के लिए पॉइंट्स लगे होते हैं यहाँ पर, जो ये लेकर पकड़ कर ये खड़ी हैं महतुर्मा, तो ये पॉइंट्समैन है। ये पॉइंट्समैन हालांकि अब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक तरह प्रकार से की जाती है, इलेक्ट्रिक प्रकार की हो गई है तो ऑटोमेटिक प्रकार से होती है, अब करना नहीं पड़ता है, तो इनकी मेंटेनेंस की देखभाल करना होता है। अब असिस्टेंट वर्कशॉप, यानी कि वर्कशॉप में जहाँ कुछ भी रिपेयरिंग का काम चल रहा है वर्कशॉप में, वहाँ उसके जो भी रिपेयरिंग करने वाले हैं उनके असिस्टेंट के तौर पर जो भी काम हो उसके काम को करने के संबंध में उसका सहायता करने के लिए। असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, ट्रैक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैक का निर्माण हो रहा है, मशीन है एक बहुत बड़ी सी मशीन है, वो ट्रैक बिछा रही है, पटरी बिछा रही है, तो पटरी बिछाने, ट्रैक बिछाने, इसके संबंध में सहायता करना, मेंटेनेंस करना इत्यादि संबंध। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, ये असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, सिग्नल में किसी प्रकार की छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो इसके संदर्भ में ये असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम काम करते हैं, बाकी बड़ी प्रॉब्लम होगी तो इनके लिए इंजीनियर आएंगे। असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट लोको शेड यानी कि लोको शेड में जहां पर इस प्रकार का लोको शेड बना होता आपने देखा होगा, और इस प्रकार का लोको शेड जहां पर बना होता उसके संदर्भ में किसी प्रकार की सहायता करना, किसी प्रकार का काम करना इत्यादि कुछ भी। असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर, इसी असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन से जब सामान उतरता है तो एक जगह स्टोर किया जाता है, वो ये महाशय स्टोर कर रहे हैं, तो स्टोर किया जाता है, तो स्टोर करने का कार्य जो है कि यही लोग करते हैं असिस्टेंट डिपोर्ट स्टोर्स। असिस्टेंट हॉस्पिटल, अगर ग्रुप डी में पोस्ट की बात किया जाए तो लड़कियों के लिए रेलवे ग्रुप डी में लड़कियों के लिए सबसे अच्छा पोस्ट यही है असिस्टेंट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में जो रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं तो हॉस्पिटल में जो कुछ भी सहायता के काम होते हैं तो सहायता के काम इनके द्वारा किया जाते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो IIT जरूरी है कि नहीं, तो IIT जरूरी नहीं है, पहले जरूरी होता था लेकिन 2019 में भी जरूरी नहीं था, अब भी जरूरी नहीं होगा, IIT जरूरी नहीं है। हाँ IIT का प्रेफरेंस जरूर मिलता है लेकिन IIT जरूरी नहीं है, आपका एलिजिबिलिटी 10th होती है यानी कि मैट्रिक होता है, तो मैट्रिक पर काम चल जाएगा, IIT जरूरी नहीं है। कितने एग्जाम्स होंगे, केवल एक ही एग्जाम होगा, चाहे उसको मेंस बोलें चाहे प्री बोलें चाहे जो कुछ भी बोलें, एग्जाम केवल एक होगा, केवल एक ही एग्जाम होगा जो CBT प्रकार का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रकार का होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज में PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। मेरिट ऑल इंडिया बनेगी या जोन वाइज, ज़्यादा संभावना है कि ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, फिर भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल आने के बाद कंफर्म होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, 90% ही संभावना है। सैलरी कितने मिलेगी, देखिए बेसिक सैलरी तो 18,000 है लेकिन ये इसमें बहुत सारे अलाउंसेस इत्यादि जोड़ करके आपको लगभग 28,000 के आसपास, 27,000 से 28,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी, ग्रास नहीं, इन हैंड सैलरी इतनी मिल जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अपियरिंग में भर सकते हैं या नहीं, हमने पहले बताया अपियरिंग में नहीं भर सकते। कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ये अक्टूबर या नवंबर में फॉर्म आ जाएगा, अक्टूबर या नवंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जब आएगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो अक्टूबर नवंबर में इसके लिए फॉर्म आएगा। एग्जाम कब तक होगा, 2025 में एग्जाम होगा, मार्च अप्रैल तक एग्जाम इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि पोस्ट कितने वाले हैं, लगभग 1.5 लाख पोस्ट आने वाले हैं, अच्छी वैकेंसी होगी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी होगी, लगभग इसके लिए 1.5 लाख पोस्ट आने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे तो आप खूब अच्छी तरह से इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी ये आएगा तो इसके संदर्भ में बैच हम चलाएंगे, फ्री में होगा यूट्यूब पर, या RPF के लिए SI कांस्टेबल के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, वहां से जाकर 8:30 बजे लाइव देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलती रहे। धन्यवाद।